कल हमारे मंदिर में श्रीमान सत्यदेव पचौरी जी, जो कि मंत्री पद पर हैं, उनका आगमन हमारे मंदिर में हुआ था और उन्होंने काफ़ी अच्छे सुझाव हमारे मंदिर के व्यवस्थापन को दिए कि कई जो सुबह हम भगवान को दिन भर जो उनकी आरती के लिए हम फूल चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, तो उसका जो वेस्ट रहता है, उसकी पत्तियां हैं, उसके फूल हैं, वो कि जनरली कूड़ेदान में चली जाती हैं। तो उन्होंने उनके सुझाव के अनुसार बताया कि इस वेस्ट का प्रयोग हम लोग अगरबत्ती और धूप बत्ती बनाने में कर सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि इस प्रोजेक्ट को हमको प्रदान करेंगे और उस प्रोजेक्ट के तहत फिर हमें सारा जो भी वेस्ट अभी केवल कचरे के डिब्बे में जा रहा था, उसका उपयोग हम धूप बत्ती और अगरबत्ती बनाने के लिए कर सकते हैं। और इसके लिए हमने कार्य करना प्रारंभ कर दिया है और जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा हम इसकी जानकारी और ज़्यादा दे सकते हैं। केंद्र सरकार ने 2014 में गंगा में प्रदूषण रोकने के लिए 20,000 करोड़ रुपए का बजट रखा था, लेकिन गंगा का प्रदूषण केवल सरकार से रुक जाए यह संभव है? हाँ, अधिकांश रुक जाएगा, जैसे सीवर नहीं जाएगा, नालों का पानी बगैर टीट हुए नहीं जाएगा, लेकिन जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। वही जागरूकता पैदा करने के लिए जो अधिकांश लोग फूल पत्तियां जो कुछ भी निकलता है कहते हैं गंगा में फेंक दो और गड्ढे में नहीं डालेंगे, ये नहीं करेंगे। तो मैंने कहा है कि मंदिरों में जो फूल चढ़ते हैं वो फूल बाद में फेंके ना जाएं, उनका उपयोग हो जाए। और ऐसी तकनीक हमारे विभाग ने विकसित की है, उससे हम इत्र भी निकाल लेंगे। जो इत्र हम मंदिरों में प्रसाद के रूप में मंदिर वाले वितरित कर सकते हैं और उसके इत्र से बचा हुआ जो फूल का पार्ट होगा उससे हम दो चीज़ें बना सकते हैं, या तो धूप बत्ती अगरबत्ती बना लें, वो भी भगवान के काम में आता है, या जैविक खाद बना लें। जैविक खाद भी हमारे पेड़ पौधों के लिए उपयोगी होता। तो ये हमने एक तकनीक विकसित की है, इसीलिए मैं वहाँ गया भी था। मैंने उनसे कहा है कि आप इस प्रकार की मशीन लगाइए और उन्होंने कहा है कि मैं प्रोजेक्ट भी ले आया हूँ और अपने विभाग से भी जगह जगह, जैसे मैं चाहता हूँ पनकी हनुमान मंदिर के पास भी प्रोजेक्ट लग जाए, मैं चाहता हूँ कि बाबा आनंदेश्वर पे भी ऐसे प्रोजेक्ट लग जाए ताकि उनका निकला हुआ जो फूल है वो कचरे के रूप में गंगा में फेंकते हैं, उससे गंगा जी को मुक्ति मिल जाए।